एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशी की बात तो ये है, लेकिन उसके साथ एक दूसरे से बिछड़ने का गम भी है, क्योंकि वी आर शूटिंग फॉर द लास्ट एपिसोड नाउ और ये लास्ट सीन होगा। बहुत सारी यादें जुड़ी है, सफ़र थोड़ा सा छोटा था लेकिन अपनापन हमेशा हमारे दिल में रहेगा और उम्मीद करती हूँ कि ऑडियंस के दिल में भी रहेगा। खैर, हर एक चीज़ की अपनी एक उम्र होती है, मुझे लगता है अपना मन की उम्र थोड़ी छोटी ही थी, लेकिन बहुत अच्छी जर्नी थी, बहुत ही खूबसूरत और बहुत सारी यादें हैं, बहुत खूबसूरत यादें हैं। और पहले ही दिन से जैसे हम एक अपनापन, जैसे नाम है, मुझे लगता है वो अपनापन पहले दिन से ही हमने एक दूसरे के साथ महसूस किया था। नॉट ओनली एक्टर्स बट टेक्नीशियंस जो हमारे बाकी के लोग हैं सारे, तो एक फैमिली सी बन गई थी और ये स्टूडियो हमारा एक घर सा ही बन गया था। पता नहीं था कि ये जर्नी इतनी छोटी होगी, लेकिन जो भी था बहुत सारी अच्छी यादें हम लेकर जाएंगे और खुशी खुशी जाएंगे। फैंस से तो यही कहूँगी कि बहुत बहुत शुक्रिया अपनापन को अपना समझने के लिए पहली बात तो, और बहुत प्यार मिला शुरुआत से ही, क्योंकि हर एक सीरियल को ऑडियंस पसंद करने में थोड़ा टाइम देती है, लेकिन मुझे लगता है कि अपनापन के पहले ही या फिर कहो प्रोमो से ही लोगों ने अपनाया था और दे वर वेरी एक्साइटेड टू सी जैन राजश्री टुगेदर। और वो प्यार जो जिस तरह से फीडबैक हमें मिले, या अभी भी जब बंद हो रहा है तभी भी बहुत सारे रिस्पॉन्सेस मिलते हैं, तो ऐसा लगता है कि इतनी कम छोटे स्पैन में कितना प्यार मिला है, और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करती हूँ आपको ऐसे ही एंटरटेन करती रहूँगी और अच्छे से अच्छे किरदार आपके सामने लाती रहूँगी, फिर वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, सीरियल हो, OTT हो, जो भी हो, क्योंकि हर एक एक्टर के लिए कैरेक्टर होता है। मुझे लगता है कि उसका मीडियम कोई मायने नहीं रखता, तो उसी चाहत से या उसी दिल से हम लोग काम करते हैं, तो उम्मीद भी करते हैं कि ऑडियंस उसे पसंद करे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसी तरह प्यार बरकरार रखें। और थैंक यू सो मच।